ये लिखा हुआ है 7 माह से वेतन लंबित राजनीति। हम लोगों को अभी 8वां महीना चल रहा है, 8वें महीने से मतलब 7 महीने से वेतन नहीं मिली है, 8वां महीना प्रवेश है। काम करने के बावजूद भी हमें जो है इतना तरसना पड़ रहा है अपनी तनख्वाह सैलरी के लिए, अब किसी के पास अपने परिवार को पालने की वो समस्या है, किसी के बच्चों की, कई चीजें होती है। 7 महीने हो गए पूरे अभी तक, हमारे को 8वां महीना या 8-9 तारीख हो गई इस महीने। अच्छा, अब तो कोई हो नहीं है तनख्वाह, सलाम वालेकुम। हाँ जी, खैरियत? कहाँ बच्चे? यमुना और फैसल कहाँ है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा कि अच्छे ही होंगे। तो आज तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर 2022 और दिन है आज संडे का। तो आज हम निकल रहे हैं जंगल के लिए। काफ़ी दिन से मेरे फ्रेंड हैं फैज भाई, तो उनके बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि जंगल चलना है, जंगल चलना है। तो आज चलते हैं जंगल और इन्जॉय करते हैं। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। इनसे मिलिए, ये है फैसल, फैज भाई के बेटे। ये क्या बात है, इनका नाम क्या है? शबीना। माशाल्लाह। और ये हमारी यमुना। तो गाइज निकलते हैं देहरादून से, एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। क्यों फैसल, रेडियो? यमुना डन। भाई साहब ये देखो ना, कितने पेड़ काट दिए यहाँ पे, वो कितनी चौड़ी रोड हो गई। वैसे एक बात बताऊं, एक्सीडेंट केस कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी यहाँ पे, गाड़ी आती है ना स्पीड में, रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये तो तब के लिए थी रोड जब यहाँ पे जो है ट्रैफिक कम था, अब तो ट्रैफिक बहुत हो गया। ये यहाँ से ना टनल बनाएंगे और फिर ये अंदर अंदर करके कहीं रोड आएगा, कहीं टनल आएगी। ये है देखो ग्रे कलर का हाथी, ये ग्रे कलर का हाथी हो गया पीछे। यहाँ पे ना मोर बहुत मिलते हैं, पता नहीं इस समय होंगे नहीं होंगे, यहाँ बहुत मोर बैठे रहते हैं। इस टाइम नहीं होंगे, वो तो सुबह सुबह आते हैं भाई। ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब राजा जी टाइगर रिजर्व की रासा रोड़ी रेंज है, और यहीं से ही एंट्री होती है राजा जी टाइगर रिजर्व की। आसा रोड़ी रेंज आएगा, उसके बाद आएगा आपका फांदू वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और फिर रामगढ़ रेंज आ जाएगी। रामगढ़ रेंज तक होती है इसकी सफारी। भोंड 13 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 110, गाजियाबाद 226। ये मोंड का कब्रिस्तान है। और तो गाइस हमें मिल चुका है एक झांक स्पॉटेड डियर, तो स्पॉटेड डियर को देखते हैं, गाड़ी घुमाते हैं। कहाँ था? काफी सारे हैं तो काफी सारे। अरे और भी आ जाओ। बोरा पीछे चला गया। बोरा वो। आगे भी था? हाँ। दो तीन चार पांच हैं। मुंह दिख रहे हो उधर से। आगे फ्रंट में था कि पीछे था? पीछे है, पेड़ के पीछे झुंड है पूरा। मैं देख के आ रहा हूँ। चलो धीरे से एकदम भाग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मिल चुके हैं हमें झांक स्पॉटेड डियर्स, और बता रहे हैं कि यही कहीं पर है। अभी देखते हैं यहाँ पे चल के, थोड़ा ज़्यादा हट होगी तो वो भाग जाएंगे, हमें ज़्यादा बोलूँगा तो भी भाग सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड पे जो है मोहन रेंज है, इसको बोलते हैं पहले मोहन रेंज है राजा जी टाइगर रिजर्व की, और फिर अंदर जाके चिल्ला वाली रेंज आएगी, चिल्ला वाली रेंज आएगी, और फिर आएगी धौलखंड रेंज।
भागे भागे भाग गए, देख लिया था उन्होंने हमें एकदम। ओहो, अब चलते हैं वापसी क्योंकि वो तो भाग चुके हैं। तो शुरुआत हो चुकी है बहुत ही बढ़िया वाली सांबर डियर के साथ। भाई आज स्टार्टिंग बहुत बढ़िया हुई, क्यों है ना? अभी बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है जंगल की। हमें मिले हैं स्पॉटेड डियर मोहन में, जंगल के अंदर वहाँ सामने खड़े हुए थे। तीन चार थे और दो तो मेल थे और बाकी फीमेल थे। हाँ यमुना, मजा आ गया। वन विश्राम भवन मोहन, शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर, ये तो राइट हैंड साइड में है। ये मोहन रेंज में FRH बना हुआ है, वन विश्राम भवन, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और ये लेफ्ट हैंड पे जो आप देख रहे हो ये उत्तराखंड में आता है। ये देखो राजा जी टाइगर रिजर्व, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। और ये धौलखंड रेंज के लिए जो गेट जाता है, चिल्ला वाली रेंज मोहन। हेलो जी, तो धरना प्रदर्शन चल रहा है कुछ। ये लिखा हुआ है 7 माह से वेतन लंबित राजा जी टाइगर रिजर्व में कार्यरत समस्त पीड़ित आउटसोर्स कर्मचारी वेतन लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल। तो यहाँ पर सब भाई लोग बैठे हुए हैं, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाते हैं। तो क्या चल रहा है, मतलब कि आपकी क्या मांगे हैं इस सब को लेके, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमारी सबसे पहली मांग तो यही है जी कि हम लोगों को अभी 8वां महीना चल रहा है, 8वें महीने से मतलब 7 महीने से वेतन नहीं मिली है, 8वां महीना प्रवेश है, आज 8वें महीने की 9 तारीख हो चुकी है। अच्छा जी, हमें 8 महीने से वेतन नहीं मिला है और हम लोगों को जो है ऐसी शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा जी, और तो आपने इसके लिए आवेदन वगैरह तो दिए होंगे ना, एप्लीकेशन वगैरह दी होगी ना वन प्रभाग को? जी सर, एप्लीकेशन भेजी है। अच्छा जी, तो वहाँ से कोई रिप्लाई विप्लाई नहीं आया अभी? तो सर प्रक्रिया चली रही है, अभी प्रक्रिया में है वो चीज। आप जिनके थ्रू यहाँ पे लगे हो, जो ठेकेदार होंगे मेन, जो बड़े होंगे जिनके थ्रू आप लगे होंगे सर, तो उनसे आपने बात करी, वो क्या कह रहे हैं? वो तो हमसे बात करने को राजी नहीं है। बात करते हैं, बोलते हैं, अगर हमसे बात करते हैं कांटेक्ट करते हैं तो सर पहली बात ही बोलते हैं कि अपने ऑफिस हेड ऑफिस पता करिए, वहाँ फोन करो, वहाँ बताओ, मुझे मत बताओ। अच्छा, नहीं ऐसा है ना, जैसे आपने, आप लोग किसी के थ्रू आए हो यहाँ पे, बीच में तो वही लोग हैं ना जी। तो आप लोग अगर उनसे कहोगे और फिर वो पीछे बात रखेंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक है, आज चैनल के माध्यम से ये बात भी हम आगे पहुंचा लेंगे। सर कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अगर अपने ठेकेदार से बात करते हैं, हाँ, तो ठेकेदार हमें एक ही चीज़ कहते हैं कि या तो फिर अपने जो है हेड ऑफिस में बात करो, अपनी सैलरी के लिए हेड ऑफिस में बात करो। हम हेड ऑफिस में बात करते हैं जी, तो हेड ऑफिस वाले बताते हैं, कहते हैं कि यार आप लोग जो है ठेकेदार के पास चल जाओ। ठीक है, तो हम लोगों को बीच में ऐसी फंसा रखा है कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, ठेकेदार से फोन पे बात करो। और अब जो है पार्क भी खुलने वाले हैं, 14 नवंबर से पार्क भी खुल जाएंगे। हाँ जी, तो क्योंकि अगर आप लोग सब धरने पे यहाँ बैठोगे तो फिर तो काम में भी अड़चन आएगी ना आगे। बिल्कुल सर, काम में भी अड़चन आएगी। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए वन प्रभाग को सोचना चाहिए। हम तो सर ये चाहते हैं जो ठेकेदारी करता है ये बंदी हो जाए तो ठीक है, ये जो ठेकेदारी वाला है ये बंदी हो जाए, या तो यह पक्की नौकरी मिल जाए हमें, क्योंकि जरूरत तो पार्क को है ही ना कर्मचारियों की, है ना सर? तो या तो पक्की नौकरी मिल जाए या जैसे भी हो। 7 महीने पहले से ही ऐसा हुआ है या इससे पहले भी कभी ऐसी कोई समस्या आई है कि वेतन रोक देते हैं? सर इससे पहले हम लोगों ने धन 2021 में ये ऐसी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो इसमें हमारे साथ जो है कुछ लोगों को अपने के थ्रू कर दिया गया था। अच्छा। इसमें ये जो हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर है और वाहन चालक है, जो सर तो इन दो पदों के लोगों को जो है हम सारे ऐसी रह गए जी, हाँ यहाँ से कन्वर्ट करके ओपनल में कर दिया गया इन लोगों को। अच्छा। और हम लोगों को मतलब ऐसी लॉलीपॉप पकड़ा गया और साइड कर दिया गया। उस समय भी हमारी वेतन ऐसी 5-6 महीने लगभग रही थी। और आपको इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए कितना वक्त हो गया? सर सभी अलग अलग टाइम से हो रखे सर, जैसे कि मेरा 4th साल है, अगले भाई का 5वां साल है, इनका 7वां 8वां साल है भाई का, तो सारे मतलब 8-10-15 साल। अभी तक आपको नियुक्ति नहीं दी गई है? सर कोई नियुक्ति नहीं है, बस ऐसी काम चला रहे हैं कि बस कम वेतन में हमारा काम चल जा। अच्छा, हमारा सर ऐसे शोषण किया जा रहा है, हमारा जो है PFSI इसका भी अभी तक हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, हमारा PF कट रहा है, हमारा ESI कट रहा है, हमें इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, और हमारा PF कट रहा, हमारे अकाउंट से तो कट रहा, जो हमें सैलरी दे रहे हैं वो हमें काट के दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो है PF अकाउंट में कोई वो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। 5 महीने की सैलरी है, 1.5 साल 3 साल से कोई
उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सर अभी जो मेन बात कहने की है कि सन 2019 में हमारा जो है 6 महीने का पीएफ अभी उज्ज्वल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा नहीं दिया गया हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद अभी फिर ये नया ठेकेदार आया है तो इसने भी हमें अभी मतलब ये लगा पूरे 19 के बाद जो नहीं मिलना था अभी इन्होंने 12-13 महीने का इसके पा रहा हुआ हमारा पीएफ का पैसा। तो ये पैसा हमारा पहले पीएफ 940 रुपये कटता था, ये अभी के ठेकेदार हमें जो है 720 रुपये दे रही है। तो सर हमें पता ही नहीं कि कौन काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं। पहले वाला ठेकेदार हमें जो है 9413 रुपये देता था, उसके बाद इनने जो है उसी ठेकेदार ने हमें दिया 8412 रुपये दी, और ये अभी ठेकेदार जो हमारे पास अभी आ रखी है 2021 से ही तो आया ना इसके बाद टेंडर हमारा 2021 के बाद इसने जो है हमें 8300 रुपये दिया, और जो हाँ 8300 दिया इसने हमें। और इस मतलब जो हमने अभी पता लगाया कि हमें विवाद अच्छा, से पूरे पार्क का यही हाल है, सारे या सारे दसों रेंज कुल मिलाकर के शोषण किया जा रहा है। हाँ। बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे पार्क में 10 रेंज हैं, पूरी 10 रेंजों में यही हाल है हर जगह, यही हाल है सब जगह, धरना प्रदर्शन हर जगह चल रहा है। चलिए हम आपकी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है आगे तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके साथ जो है वो इंसाफ होगा, न्याय हो और न्याय होगा, और जो है आपका जो वेतन रुका हुआ है वो मिलेगा, और बल्कि जो है वेतन जो है वो बढ़ा के मिलना चाहिए, है ना। और जो नियुक्ति है वो भी पक्की होनी चाहिए ना, नियुक्ति भी पक्की होनी चाहिए जिन लोगों को इतना समय हो गया काम करते हुए, नियुक्ति भी होनी चाहिए ना। विभाग से जो वेतन हमें मान्य है ना, काम करने में और अच्छा लगेगा, हमें काम करने के बावजूद भी हमें जो है इतना तरसना पड़ रहा है अपनी तन का सैलरी के लिए। अब किसी के पास अपने परिवार को पालने की वो समस्या है, किसी के बच्चों की, ये कई चीजें होती है। अब 7 महीने से तनख्वाह बहुत चीजें होती हैं, और जो वेतन आप बता रहे हो तो मुझे तो लगता नहीं है कि इस इतने वेतन में जो है एक परिवार अपना गुजारा कर सके। जो थोड़ी बहुत मिलती है 7 महीने हो गए पूरे, अभी हमारे 8वां महीना या 9 तारीख 9 तारीख होगी इस महीने। अच्छा, अब तक कोई हो नहीं है तनख्वाह ये तो बहुत ही समस्या वाली बात है। इस चीज को जो है देखना चाहिए प्रशासन को। हम यही चाहेंगे कि ये जो भाई लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके साथ न्याय हो। चलिए, तो यहाँ पर मैं एनिमल एक्टिविस्ट एमए अंसारी आज यहाँ पर गुजर रहा था, तो मैंने भाई लोगों को यहाँ पर बैठे हुए देखा, तो मैंने इनका दर्द सुना है और मुझे बहुत अफसोस है इस बात को लेके कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। पार्क प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। तो ये मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये बात आप सभी लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस बात को जो है जल्दी से जल्दी एक्शन में लिया जाए और इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इनको न्याय मिलना चाहिए। एक बार मैं रात को यहाँ से आया तो पानी चल रहा था बहुत, तो मैं गाड़ी वो थी हलीम भाई की i20, तो मैं यहाँ तक आया। अच्छा। और यहाँ तक आके मैं रुक गया, तो मैंने देखा पानी इतना भयंकर चल रहा था भाई साहब, मैंने कहा ये तो मुश्किल है। हाँ, बरसात की मौसम थी, रात के टाइम की बात है, 8:30 बज रहे थे, अकेला था मैं, और दोस्त आ रखे थे फार्म हाउस में, उनके फ़ोन आ गए, मैं मसूरी जा रखा था, तो बस मसूरी से वापसी किया, घर छोड़ा फैमिली को और आ गया मैं यहाँ पे। तो यहाँ बहुत पानी था, फिर मैंने गाड़ी घुमाई और पीछे उधर फिर छुटमलपुर से कलसिया होते हुए गया, पर गया था। अच्छा, सारे बोलते हैं यार तो जंगल में डर नहीं लगता रात को, मैंने कहा भाई जंगल तो हमारा घर है, जंगल में कैसा डर रहा, वो देखो सामने कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, वाह। पूर्वजों का घर था, तो जो पूर्वजों का घर होता है वो अपना ही तो होता है, विरासत तो हमारी भी होती है उसमें। बहुत ही प्यारा व्यू सामने पहाड़, शकुंभरी रेंज, भूख लग रही है बहुत तेज, नाश्ता करके नहीं चले हम तो, अब रास्ते में कहीं रुकेंगे और फिर कुछ खाएंगे। चलो, आफ्टर ऑल इस नदी को तो हमने पार किया। जिला पंचायत सहारनपुर नौरंगपुर, ये ग्राम नौरंगपुर है जी, और नौरंगपुर से एक रास्ता जाता है राइट को जो निकल जाएगा अंदर जंगल वाली पगडंडी पे,
और लेफ्ट से जाना है हमें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली एक गांव के अंदर और यहाँ चारों तरफ खेत खलियान है, बाग है। इधर मेरे सीधे हाथ पे बाग है। ये ताई हमें देख के रुक गई थी लकड़ियाँ काट। ताई कहाँ जा रही लकड़ियाँ काट के? ये ताई हमारी जा रही हैं लकड़ियाँ काट के। ना बच्चे आ रखे थे, भूख लग रही थी, मैं कहा यहीं को बैठ जाओ खाना खा लो। क्यों कहाँ रहती हो आप? तालापुर। पैदल जाओगी वहां तक? भाई हिम्मत है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। ये लोग हैं पुराने, पुराना देसी घी पी रखा है जिन्होंने, और ये लकड़ी ये उठा के अब तालापुर। यहाँ से मेरे ख्याल 2 किलोमीटर होगा तालापुर। हाँ 2 किलोमीटर तालापुर है जी, पैदल जा रही ताई। हिम्मत वाली बात है। चलो तो ये आ चुकी है हमारी भाभी और ये यमुना, उधर फैसल है और उसका नाम है शबीना। शबीना शब्बो, शबीना। और ये बबलू भाई हमारे जो है ये चटाई उठा के हाथ में घूम रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बिछानी चाहिए। यहीं को बिछा लो, यहाँ को, यहाँ को बिछा लो। तो वही सबसे पहले तो ये बिछा लिए जाएं बिल्कुल ठीक से, और इसको बिछाएंगे हम यहाँ पर। वहाँ छावा है, छावा। तो लो जी छावा में आ जाओ। अरे वो जगह सही थी। लो जी लो छावा में बैठो तुम। खेन उल्टा बिछा दो। अरे बस अब तो यही सीधा, उधर तो मट्टी लग गई होगी। आह हाँ यमुना बेटे बैठ जाओ, आपके बैठने से दब जाएगा फिर ये, है ना, बैठ जाओ। हाँ तो जी अरे भाई छतरी छुतरी सवार रखी, यहाँ पे तो बारिश के आसार लग रहे थे क्यों, लेकिन धूप हो रही है चटक एकदम। आह हाँ भाई चप्पल चुप्पल उतार दो, चप्पल एक बार पहनने से। बैठो जी बैठो 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 भाई बैठो, वली मोहरा यहाँ पे। भाभी सांप सूप तो नहीं आ जाने का? तो वही ये मेन्यू आ रखा है यहाँ पर। हाँ भाई मुंह में पानी आ रहा देख के, गर्मा गर्म कीमा भाई, वाकई में इसका तो मजा ही अलग है। तो वही मटन कीमे का लुत्फ उठाते हुए खेतों के बीचों बीच इसका भी लुत्फ अलग ही आने वाला है। जगह नहीं बची हुई, हम तो और ये आ चुकी है आलू की सब्जी और पूरी। भाभी पूरी के तो दर्शन करवा दो। इसमें तो रोटियां हैं, रोटियां, और इसमें है पूरियां। चलो भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार यहाँ पे थी जगह। अरे तुम यहाँ से ही बैठे हो, इसको इधर ले आओ। यमुना बाबू आप इधर आओ, इधर आओ। फैसल बीच में आ गया, बस हो गया काम, बैठो। चलो भाई खाते हैं। सबसे पहले उतारते हैं आलू की सब्जी और फिर लेते हैं थोड़ा सा मटन कीमा। इसी में उतार दूं चाय? बस भाई ये तो अचार भी आ रखा, मजा आ गया देख के। अचार खाएगा? पक्की बात, स्पून देना ना यार मुझे भी। तो लो भाई हो गया फैसल। अच्छा भाई ये लंच हो रहा है या हमारा या वो हो रहा? ये एंजॉय हो रहा है, ये ना लंच हो रहा है ना डिनर हो रहा है और ना ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये एंजॉय हो रहा है। मैं समझ रहा है एक वाइट बाजू एक ग्रीन बाजू। चलो भाई खा लो। मैं किसमें खाऊं? खाओ भाई खाओ। कहीं से गायें बैल आ रहे हैं? आलू कहाँ है? आलू कहाँ तो ले लो। आलू भालू, आलू भालू। भाई खाना इतना लजीज बना रखा था भाभी ने, मटन कीमा तो मैं दूसरी बार लिया, अब ये मेरा लास्ट निवाला है और बहुत ही जबरदस्त हो रहा था। रेसिपी पूछनी पड़ेगी भाभी से कैसे बनाया था, कटे मसाले। अच्छा, वाला मजा अच्छा, ही आ गया। अच्छा तुम्हें अच्छा लग रहा था? अचार क्यों मांगा फिर तुमने?
अचार आलू के साथ अचार बढ़िया लग रहा था। कुछ नहीं है, अचार मांगने की वजह ही यही होती है भाई। एक बात बताओ, अचार आपने अचार क्यों मांगा भाई? अचार मैंने इसलिए मांगा क्योंकि मुझे आलू पूरी के साथ अचार बढ़िया लग रहा था। नहीं नहीं, आलू मांगने की वजह, ओ अचार मांगने की वजह ही यही होती है। ना ना ना, अचार इंसान तब मांगता है जब उसे खाने में टेस्ट नहीं आता। भाई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, अगर आपके समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना अचार क्यों लिया था। अभी खाते हैं लास्ट निवाला, उसके बाद चलते हैं गांव की तरफ। भैया से भाभी की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। ये जवाब दिया बढ़िया, भाभी की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। बबलू भाई ये जवाब दिया बढ़िया, अब इस पे क्या जवाब दोगे? जवाब नहीं, मेरी पहले कोई बात तो नहीं हुई ना। तुमने पहले अचार मांगा, दो टुकड़े खाते ही ये अचार दे दो। तब आलू लिए थे, तब मैंने आलू ले रखे थे। नहीं 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 भाई, करना चाहिए था। वो दोनों मेरे पक्ष में है और ये जो है विपक्ष में है। अगर अगर उसमें आलू कीमे में दम होता ना तो अचार ना मांगना। आलू नहीं था कीमे में भाई। मैं सीधी सी बात कर रहा कि मैंने आलू पूरी खाने के लिए अचार लिया था, लेकिन कीमा के साथ तो गया। आलू पूरी में दम नहीं था? आलू पूरी लगता ही बढ़िया अचार के साथ है। तुम ब्लॉग मत खराब करो। आलू पूरी लगता ही बढ़िया अचार के साथ है भाई। खैर कमेंट करके बताना हमें, बताना कि ये कह रही है कि तुम ब्लॉग को खराब मत करो, मेरे खाने की बुराई मत करो। मैंने अभी तक कोई बुराई नहीं की, मैंने जो बताई सच्चाई बताई। इंसान अचार कब मांगता है? चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो बोतल में बंद है चाय, और बंद होने के बाद उसमें से थोड़ी सी स्मेल आ गई है। भाभी ने भी पीती, ठीक हो रही है, भाभी ने भी पीती और मुझे सोच के ये वो अजीब सी फीलिंग आ गई है, तो चाय कहीं और पियेंगे। और फिलहाल चलते हैं गांव की तरफ। तो वही खाना खा चुके हैं, अब चलते हैं। वो कहाँ खड़ा हो गया जाके भाई? कहाँ खड़ा है, क्या दिख गया वहां से? कुछ नहीं दिखा। फिर इधर देख, क्या बढ़िया खेत है, बाग है सामने। आज मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा, बादल हो रहे और धूप आ रही जा रही, और मौसम भी बड़ा सही हो रहा है, ना ठंड हो रही है ना गर्मी हो रही है, माइल्ड मौसम हो रहा है बिल्कुल। आऊं मैं यहीं से कूद जाऊं? ये रास्ता कहाँ जा रहा है, गांव में जा रहा है किसी, है ना? ये लग रहा मुझे किसी गांव वाँव में जा रहा, अंदर कहीं खेत वेत में जा रहा या गांव में जा रहा। चाबी दो। अरे भाभी ये क्या ले है, इसकी क्या जरूरत थी? चाबी किसके पास है? इसकी भी तो जरूरत थी भैया। भाई खाना खा के मजा आ गया, एकदम से ऊपर उठता है वो, एकदम से ऊपर। चलो भाई रखो सामग्री। क्या है, स्लीपर्स लेकर आ रखे लोग। चलो यमुना बैठे गाड़ी में, लो जी साहब लिफाफा इसको बंद कर। ये तो डबल होगी अभी, है ना, एक बार और होगी। फैसल फैसल देखना कैसे होगा, ये बंद करो, ये बढ़िया है यार, है ना, ये वो एसी वाली है ना, है एसी वाली, ये बढ़िया रहती है, फुलमिन चढ़ता है इसमें। हाँ ठीक है, सर्दी के हिसाब से बढ़िया है, ऐसे मत कपड़े मत करना। चलो तो भाई वहाँ बैठ के भी हमने खाना खाया है और अब हम गाड़ी पैक कर लिए है, तो हम निकलते हैं यहाँ से सीधा, वहाँ से राइट लेंगे टालापुर, टालापुर से धौला कुआँ, और फिर धौला कुआँ से जाएंगे सीधा कोठड़ी, निकलते हैं। चले चलो यमुना, मेरे पैर मत टच करना नीचे से। शबिन विंडो खोल ले, बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ वाह भाई मजा आ गया खाने में, जगह पे और ऑफ रोडिंग का भी मजा आ गया आज। यहाँ पे रास्ता सब ऑफ रोड है, ये किसी का फार्म हाउस पड़ा है लेफ्ट साइड में, ताला लग रहा है यहाँ पर, और इधर खेत है मेरे सीधे हाथ पर। तो बीच में क्या गन्ना लगा रखा, खराब हो गया गन्ना शायद ये वाला। ये बालों को रबड़ भी दे दे। अब मेन रोड आ गया है और अब कैमरा रखते हैं नीचे, आगे जाके बनाएंगे वीडियो।